कपड़े जो है ना वो अच्छे से सूख गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये देखिए। अब कपड़ों को जो है ना बारी आती है धूप में डालने की। वो कपड़ों को धूप में डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तो कपड़े जो है ना धूप में डालने से अच्छे से प्रॉपर तरीके से सूख भी जाते हैं। वैसे ये कपड़े सूख चुके हैं बिल्कुल भी, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं। Hey guys, welcome back to my another video. वॉशिंग मशीन के ढेर सारे वीडियोस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो जो है ना काफी ज्यादा यूजफुल सभी लोगों को लग रहे हैं। मोस्टली लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप वॉशिंग मशीन के और ज्यादा वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करें। तो अगेन मैं एक और वीडियो वॉशिंग मशीन का लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ढेर सारे कपड़ों को थोड़े से वॉशिंग पाउडर के साथ और थोड़े से मतलब बहुत कम टाइम में, बहुत कम पानी में आप कैसे धुल सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ना सभी हाउसवाइफ के लिए, सभी ऑफिस वालों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी इंटेक्स की वॉशिंग मशीन, जो कि है 6 से 7 साल पुरानी। और इस वॉशिंग मशीन को मैं रेगुलर अभी यूज़ कर रही हूँ, अभी ये एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है। तो सारे कपड़े मैं इसी वॉशिंग मशीन से धुलने वाली हूँ। मतलब आप किसी भी तरीके की वॉशिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं कपड़े धुलने के लिए। प्रोसेस जो है ना सेम ही रहता है, सेम ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो प्रोसेस है वो सभी वॉशिंग मशीन का एक जैसा ही रहता है। तो ये देखिए, ये जो है ना ये वॉशिंग मशीन में मैं ऑलरेडी पहले से ही जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं ना वो इसी में ही मैं डाल के रखती हूँ, मतलब इसी में ही इकट्ठा करती जाती हूँ। तो अभी इन कपड़ों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ और पानी का लेवल कहाँ तक रखना है वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। वाटर फिल करने के लिए यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन की जो नली है उसको मैंने अटैच कर दिया है। ये नली आप देख सकते हैं, और इस नली को मैंने अटैच किया है यहाँ पर नल के साथ, इस नल के साथ मैंने अटैच कर दिया है। और ये देखिए, पानी जो है ना वॉशिंग वाले सेक्शन में हमें सबसे पहले पानी फिल करना है। तो पानी का लेवल जो है ना कपड़ों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही लेना है। अगर आप एक साथ ज़्यादा कपड़े डाल रहे हैं तो आपको अच्छा खासा पानी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लेवल तक मैंने यहाँ पर पानी फिल कर दिया है, क्योंकि अच्छे खासे क्वांटिटी में मैं कपड़े धुलने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लाइट कलर के और बच्चे के कपड़े निकाल कर रखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये सारे कपड़े पहले मैं धुलूँगी और उसके बाद जो है ना मैं ये सारे कपड़े धुलूँगी। तो कपड़े जो है ना अच्छे खासे धुलने, मतलब बहुत ज़्यादा धुलने को हैं। तो पानी जो है ना, पानी का लेवल यहाँ तक हमें रखना है। अब मैं यहाँ पर पानी बंद कर दे रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे डिटर्जेंट पाउडर। तो डिटर्जेंट जो है ना आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अच्छी खासी क्वान्टिटी में डिटर्जेंट का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मैं एक बॉटल में जो है ना डिटर्जेंट फिल कर लेती हूँ और काफ़ी अमाउंट में मैं यहाँ पर डिटर्जेंट डाल दे रही हूँ। डिटर्जेंट डालने के बाद यहाँ पर मैं मशीन को ऑन कर दे रही हूँ और उसके बाद आते हैं इस सेक्शन में। तो यहाँ पर हम इसको 15 मिनट के टाइमर के साथ, मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है 15 मिनट के टाइमर से ये कपड़े धुलने वाले हैं। तो पहले मैंने जो है ना डिटर्जेंट को एक दो राउंड हो जाने देते हैं, ताकि डिटर्जेंट पाउडर अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए, घुल जाए। अब डालना स्टार्ट करेंगे हम कपड़े। तो कपड़ों में चेक कर लें कोई भी आपका ज़रूरी सामान ना हो जो कि पानी में जाने के बाद आपका ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले मैं हाइजीन की वजह से सबसे पहले मैं बच्चे के ही कपड़े डालती हूँ। और अगर आप बच्चे के कपड़े नहीं धुल रहे हैं तो फिर आप लाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल पहले कर सकते हैं, जिसमें कलर वगैरह ना निकलता हो, जो आपके नए कपड़े हों, जो प्रॉपर कपड़े हों, जिन्हें आप ऑफिस वगैरह या बाहर जाने के लिए यूज़ करते हैं, उन कपड़ों को आप पहले डालिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अच्छी खासी क्वान्टिटी में जो है ना कपड़े डाल दे रही हूँ। एक बार में अगर आप बच्चे के कपड़े धुल रहे हैं तो एक बार में आप कम से कम 10 से 12 कपड़े आसानी से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, प्रॉपर तरीके से मशीन जो है ना अच्छे से घूमने लगी है। आपको अच्छे खासे अमाउंट में जो है ना डाल देना है डिटर्जेंट पाउडर, और पानी की क्वांटिटी आप सही लेंगे तो कपड़े आपके अच्छे से साफ हो जाएंगे। आपको ज़्यादा ब्रश वगैरह चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कपड़ों को वॉश करने में। तो 15 मिनट का टाइमर जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर एक बीप आएगी और जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा टाइमर जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आप अगेन 15 मिनट का टाइमर के साथ आप इसे सेट कर सकते हैं। तो पहले जो है ना 15 मिनट हो जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे कपड़े जो है ना कितने साफ हुए हैं। पंद्रह मिनट का टाइमर ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने को है। जैसे ही
ऑफ के सामने जो है ना बटन आएगी, एक बीप आएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से साफ हो चुके हैं। ये देखिए, जैसे ही बीप आती है हमें इस तरीके से इसको रोक देना है। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। हाथों की मदद से इसको इस तरीके से स्क्वीज कर देना है साबुन वगैरह। वैसे तो आप कपड़ों को यहाँ से निकाल के इस सेक्शन में लोग मोस्टली धुलते हैं, जिसमें हम कपड़ों को स्पिन करते हैं, मोस्टली लोग उसी ही सेक्शन में कपड़ों को धुलते हैं। बट इस सेक्शन में पानी का प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, उनसे साबुन जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता है। और आपके कपड़े जब आप पहनते हो तो वो खुजली और वो ड्रेसेस टाइप के जो है ना आने का प्रॉब्लम रहता है। कपड़ों को हम हाथ से निचोड़ के निकाल लेंगे सभी कपड़ों को। सारे कपड़े जो है ना मैंने निकाल के अलग कर लिए हैं, अभी इसमें सफिशियंट पानी और साबुन बाकी है। तो इसमें अब हम डालने वाले हैं हमारे डेली बेसिस के कपड़े जो कि हम हर रोज़ पहनते हैं, वो कपड़ों को भी हम इसी में डालने वाले हैं। तो इससे क्या है ना कि हमारे साबुन की भी बचत होगी, जो भी साबुन वगैरह है इससे अभी हमारे प्रॉपर कपड़े अच्छे तरीके से काफ़ी सारे कपड़े जो है ना धुल जाएंगे। तो अच्छे खासे अमाउंट में मैं इसमें कपड़े और डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े जो है ना मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसे ऑन करके फिर से चालू कर देते हैं। अगर साबुन की क्वांटिटी आपको कम लगे तो यहाँ पर थोड़ा सा साबुन आप और ऐड कर सकते हैं। तो इन कपड़ों को भी अच्छे से हम 15 मिनट के टाइमर के साथ जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाने देते हैं। वॉशिंग मशीन से निकाले हुए कपड़ों को हम डालेंगे बड़े से बाल्टी में, जिसमें अच्छा खासा पानी जो है ना अच्छे अमाउंट में पानी फिल है, और इस तरीके से कपड़ों को अच्छे से हम फलो लेंगे ताकि इसमें साबुन वगैरह और गंदगी रहे जो कुछ भी है अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल भी इसमें साबुन ना रहे। तो कपड़ों को जो है ना जब भी हम वॉश करते हैं तो कपड़ों को हम जरूर उल्टा कर लें ताकि कपड़े अच्छे से अंदर से भी साफ हो जाए, बिल्कुल भी इसमें डिटर्जेंट वगैरह का प्रॉब्लम ना रहे। देखिए बिल्कुल भी मैंने कहा कि कपड़े जब भी हम डालते हैं और धुलते हैं सुखाते हैं तो क्या है ना कपड़ों का जो कलर जाता है तेज धूप में वो कपड़ों का कलर भी नहीं जाता है, प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ भी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं लगाया है। वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद मैंने बस सीधा सिंपल से पानी के साथ मैंने इसको वॉश किया है, फिर भी एकदम से कपड़ा अच्छे से साफ हो गया है। इसी तरीके से सारे कपड़ों को मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से धुल ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ड्रेनिंग का प्रोसेस दिखाती हूँ कि किस तरीके से कपड़ों को हम सुखाते हैं और आगे का प्रोसेस इसका क्या होता है। यहाँ पर सभी कपड़ों को मैंने पानी से अच्छे से साफ कर लिया है, अब मैं आपको ड्रेनिंग का प्रोसेस दिखाती हूँ कि कपड़ों को किस तरीके से हम सुखाते हैं। चलिए कपड़े जो है मैंने ले लिए हैं और अब आ जाते हैं हम इस वाले सेक्शन में जिसको हम बोलते हैं स्पिन वाला सेक्शन। तो इसमें कपड़ों को हम इस तरीके से फ्लफी कपड़ों को बनाते हुए इस तरीके से कपड़ों को डाल देंगे। ये जो है ना सारे कपड़ों को इस तरीके से हम डाल देंगे फ्लफी करते हुए, और उसके बाद इसमें आता है एक प्लेट जो कि होता है कपड़ों को सेपरेट करने के लिए ताकि जब हम स्पिन करें तो कपड़े ऊपर ज़्यादा जंप ना करें। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे प्लेट को, और उसके बाद इसके ढक्कन को इस तरीके से प्रेस करते हुए दबा देंगे। अब यहाँ पर इस वाले ढक्कन को हम कवर कर देते हैं और ये जो नली है उसको डाल देते हैं बाथरूम के साइड, और यहाँ पर इस वाले तो हम यहाँ पर घुमाकर 5 नंबर पे कर देंगे। तो ये क्या है ना कि एकदम अच्छे से स्पिन होने लगेगा और सारे कपड़े का जितना कुछ भी पानी वगैरह है वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, कपड़े एकदम से सूखे हुए निकलेंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े में जो है ना एक भी बूंद पानी जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। अगेन यहाँ पर हमारे कपड़े जो है ना दूसरे सेक्शन में ये भी ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, तो क्या है कि इधर हमारे कपड़े हो जा रहे हैं और इधर हमारे सूखते भी जा रहे हैं, तो दोनों ही काम फटाफट से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए पानी जो है ना अच्छे से पानी यहाँ पर नली से निकलने लगा है और ड्रेनिंग का प्रोसेस अच्छे से हो रहा है। तो देखिए कपड़े जो कपड़ों से जो पानी निकल रहा है उसमें बिल्कुल भी साबुन वगैरह फेना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साफ पानी निकल रहा है। इट मीन्स कि हमारे कपड़े जो है ना अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ हो चुके हैं, कपड़े जो है ना वो अच्छे से सूख गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए
अब कपड़ों को जो है ना बारी आती है धूप में डालने की, और कपड़ों को धूप में डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तो कपड़े जो है ना धूप में डालने से अच्छे से प्रॉपर तरीके से सूख भी जाते हैं। वैसे ये कपड़े सूख चुके हैं बिल्कुल भी, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़ों को अच्छे से फटकार के और फिर उसके बाद जो है ना हम अगर धूप में डालते हैं तो ये कपड़े अच्छे से प्रॉपर तरीके से सूख जाते हैं, प्लस इसमें जो भी सिकुड़न टाइप का होता है ना ये नहीं होता है और ये सही रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कपड़ों को मैंने अच्छे से धूप में डाल दिया है और ये कपड़े जो है ना 1 घंटे के बाद जो है ना अच्छे से सूख जाएंगे, आप पहन सकते हैं इन कपड़ों को, यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर धूप आपके यहाँ प्रॉपर तरीके से आती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वॉशिंग मशीन में ही कपड़ों को सुखाएं, आप डायरेक्ट भी धूप में डाल देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ड्रेनिंग का प्रोसेस और स्पिन का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएं और जिनके यहाँ धूप का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ईजी हो जाता है। बट अगर आपके यहाँ धूप अच्छे से आती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े वॉशिंग मशीन में ही सुखाएं, इस तरीके से भी सुखा सकते हैं, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और हाउसवाइफ्स के साथ और अपनी सहेलियों के साथ, जिसको भी आपको लग रहा हो ना कि ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगा तो ज़रूर उन सभी के साथ आप शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके के ढेर सारे यूज़फुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।